क्या आप गूगल फोटोज से फोटो गैलरी में सेव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप गूगल फोटोज से फोटो को गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फोटो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट में ये सभी फोटो दिख रही हैं, ये सिंपली फोटो यहाँ पर पहले से ही अपलोड हैं। यदि हमारी ये फोटो गैलरी से डिलीट हो जाती हैं तो इन्हें हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये फोटो हमारी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिख रही हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर गैलरी में दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलिए आप अपनी गैलरी को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो फोटो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। किसी भी फोल्डर में यहाँ पर आपको वो फोटो यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं दिखाई देंगी। चलिए मैं एक एक करके आपको सभी फोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए किसी भी फोल्डर में वो यहाँ पर कोई भी फोटो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उन फोटो को गो से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर गूगल फोटोज को आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वहीं पर आपको अपने मोबाइल में गूगल फोटोज के एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप किसी भी फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली उस फोटो के ऊपर आपको प्रेस करना है। जैसे आप उस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ कॉर्नर में थ्री डॉट दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप जब क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो फोटो है आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। यदि ये फोटो आपकी गैलरी में पहले से ही डाउनलोड है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा डिलीट फ्रॉम योर डिवाइस। तो यहां पर डिलीट फ्रॉम डिवाइस लिख के आएगा। अगर आपकी डिलीट हो चुकी है फोटो तो पर डाउनलोड का ऑप्शन यहां पर आपको आ जाएगा। तो चलिए यहां पर गैलरी को ओपन करते हैं और गैलरी को ओपन करने में देखें यहां पर वो जो फोटो हमने यहां पर डाउनलोड की, ये देखिए अब हमारी गैलरी में ये फोटो डाउनलोड हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने यहां पर फोटो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि आप यहां पर फोटो कैसे अपलोड करते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है। ये वीडियो के लास्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।